बैंड हो गया भाई, बैंड हो गया, टिकटॉक ऐप बैंड हो गया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टिकटॉक जो एक पॉपुलर ऐप था आज के लिए इंडिया के मार्केट में, वो बैंड हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट, जो एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, वो उसने बंद कर दिया है टिकटॉक ऐप को यूज़ करने के लिए। उन्हें लगता है ये बच्चे के लिए पोर्नोग्राफी को उत्साह देते हैं, इसीलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में। अगर आप एक टिकटॉक यूज़र है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए और आपके जानने के लिए। आप जानते हैं कि टिकटॉक एक पॉपुलर ऐप है, आज तक इंडिया में करीब 50 मिलियन के ऊपर लोग इस टिकटॉक को यूज़ करते हैं। कोई यूज़ करता है अपने प्रोफेशन को दिखाने के लिए, कोई यूज़ करता है अपने अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाने के लिए, कोई भी इसे बिना मतलब गलत काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मेरा ओपिनियन क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आप देख रहे टेक का ज्ञान चैनल, मेहू राणा आपका दोस्त। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट, जो एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, वो कुछ दिन पहले ही इस ऐप के ऊपर बैन लगाने के लिए आदेश दे चुका है। उन्हें लगता है ये बच्चों के लिए ऐप नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट यूज करते जाते हैं ये कंटेंट सभी के लिए नहीं है। तो ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ये बहुत आम लोगों के टैलेंट को परखता है। आप देख सकते हैं बहुत लोग अपने टैलेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और अपना टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग, आपने देखा होगा जरूर वीडियो में, कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना टैलेंट नहीं कुछ और दिखा के पैसे कमा रहे हैं और अपना लाइक शेयर और ले रहा है। लेकिन ये तो गलत बात नहीं है। मेरा ओपिनियन है कि ऐप एक बहुत अच्छा ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप की तरह नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं जो यूट्यूब या फेसबुक, इसमें जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन लिखा गया है। देख, आप देख सकते हैं यूट्यूब में अगर हम कोई भी कॉपीराइट कंटेंट यूज़ किए या कुछ भी ऐसे कंटेंट यूज़ किए तो तुरंत हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, जिससे हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं टिकटॉक में ऐसा कोई भी रूल अभी तक चालू नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी रूल चालू हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है टिकटॉक ऐप के लिए और इंडिया के अदर्स यूज के लिए। मेरा ओपिनियन, जैसे वीडियोज में आप देख सकते हैं कि दो ऐप अवेलेबल है, एक है बच्चों के लिए, एक है बड़े के लिए। तो बड़े बच्चों अपने जो ऐप यूज करते हैं उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो, और जो एडल्ट ऐप है उसमें रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। लेकिन आजकल जो हमारे इंडिया में एक बहुत सारे ऐप के बारे में बहुत प्रॉब्लम है, तो मेरा ओपिनियन है ऐसे भी करना पड़े, ऐसे ऐप्स को अगर डिवाइड भी करना पड़े तो बहुत अच्छा होगा। ऐप डिवाइड करने से क्या होगा कि बच्चे अपने ऐप्स यूज़ करेंगे और बड़े अपने के लिए, तो इससे जो बच्चे के ऊपर जो प्रभाव जो फैल रहा था उसके ऊपर हमारा थोड़ा जोर हो पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक कि जाना जाता है कि जो बैंड लगा है वो मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है, वह छानबीन करने के बाद मुझे पता चला है यहाँ पर जो दोनों लोगों ने इसको जानने को आया है कि मेरुमठ नाम का एक जगह से एक ओल्ड मैन एंड ए यंग मैन दोनों एक दूसरे मिल के इस बैंड को लगाने के लिए अपील किया था उस कोर्ट में, एंड विद द कोर्ट इज रेडी टू एक्शन अबाउट इट। तो कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले चुका है और वो इस ऐप को बैन करने के लिए जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो देखते हैं ऐप बैन क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस ऐप को बैन नहीं करना चाहिए, कि ये बहुत लोगों के लिए ऐप पॉपुलर हो चुका है। ज़्यादातर के चीना ऐप है, फिर भी ये ऐप इंडिया में बहुत चल रहा है। आपको पता है कि 54 से
से भी ज़्यादा मिलियन लोगों ने इस ऐप को इस्तेमाल करने लगा है और उससे भी ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हमें सोचना चाहिए और उन लोगों के लिए जो भी दिन रात मेहनत करके इसको वीडियोज़ बनाते हैं उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है इनको ऐप को बैन नहीं करना चाहिए। तो आपको ओपिनियन क्या है प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को यही प्रोसेस करते हैं। अगर आप यार इस ऐप के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को जरूर दबा करके जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिले मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन वीडियो में यही तक ही। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए जय हिंद वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, हमारे दूसरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।